सर हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है व्हाट इज गॉड डज गॉड एग्जिस्ट एंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल और वेल्बिंग बताइए क्या थाट्स हैं आप लोगों के इस टॉपिक के बारे में सर मुझे ऐसा लगता है कि गॉड फ्रीडम है टाइम स्पेस डेथ लाइफ कोई भी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन सब से हम टच नहीं कर सकते उस चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं वर्ड्स में डिस्क्राइब करने का लेकिन हम एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकते कि वो फील मतलब वो एक फीलिंग है एक्सपीरियंस है और शायद वही उसको इतना पावरफुल वर्ड और वही उसकी ब्यूटी है तो अगर हम नहीं उसके बारे में कुछ बता सकते या उसके बारे में बात नहीं कर सकते तो आज के इस में हम, हम करेंगे क्या ट्राई कर सकते हैं उसको हम जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह में है कि हम उसके बारे में लिख सकते हैं हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं बट गॉड के एक्सपीरियंस को फ़ील करने के लिए उस इंसान को खुद से ही वो फ़ील करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए हमें जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा मेरे हिसाब से वो इंसान को खुद ही करना होगा आप हेल्प ले सकते हो किसी से आपने वर्ड यूज़ किया अल्टीमेट एक्सपीरियंस तो वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस कैसा होगा उसकी भी कोई ना कोई इमेजिनेशन आपके माइंड में होगी सर इमेजिनेशन का तो नहीं पता जैसे साउंड ऑफ साइलेंस है जब मैं उसको एक्सपीरियंस करती हूँ तो वो भी एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपको डिस्क्राइब मतलब कोशिश कर सकती हूँ हाँ मैं उस टाइम पर स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ या लाइट फील करती हूँ मेरी लाइफ में जो भी घर की टेंशन है या ऑफिस की टेंशन है काम की टेंशन है वो चली जाती हैं बट वही है कि वो मैं जस्ट अभी वर्ड्स में पुट अप कर रही हूँ आपके सामने एग्जैक्टली exactly वो क्या है वो जब कोई दूसरा फील करेगा तो वो उससे कनेक्ट कर सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है वर्ड्स में पुट अप करना हम ट्राई करेंगे हमेशा लेकिन एट दी एंड आपको उसके लिए एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा आप हेल्प ले सकते हैं किसी से आप बताइए आपका क्या टेक है इसके बारे में वेल um, well, uh, जब भी हम गॉड के बारे में सोचते हैं तो द फर्स्ट इमेज दैट कम्स इन माइंड So, th this has been instilled in us by our elders, I guess, and from all the movies also that God is some powerful person um, with probably multiple hands, multiple weapons, a very wise person, a very righteous person. I guess this is the concept that we have created for our convenience. Um, this is how we want to be as humans. We powerful, we very wise. Uh, we also want to have those powers to create the world or to destroy the world. So, this is a concept that has been created. And I guess this is my take on uh, what is God. Then, uh, the second part of this question is Does he exist? Uh, well, uh, to be honest, I do not know the answer. And uh, uh, I just believe that uh, he does because uh, there must be a source of creation. But to know this answer, I just want to know the correct path that uh, what is the correct path to seek the answer of this question. You are again and again using the word he. Why he? Why not she? Uh, no, no, it's not like that. <laughs> I again told you that we have created this image of God based on our convenience. So uh, it could be a woman God also, like we Indians have Indian Gods, white people have white Gods. So uh, this is as per convenience. So uh, it's not so like. So does that. men have men god and women have women god or like? Uh, probably this is how we want to be. So um, if for me. Uh,